सत श्री अकाल, नमस्कार आदाब, दर्शकों, मैं तुहाडा गुरलाल हाजर। प्रोग्राम ओपन प्लेटफॉर्म लैके जस पंजाबी दे मंच तो निवेकला प्रोग्राम तुहाडे रूबरू कर रहा। कुदरत बड़ी बेअंत है, जिदा कि तुहानू सारयां नू पता कि असी ओरेगन गए सीगे पिछले वीकेंड। आ जिहड़ा वीकेंड टप्पिया लाइव गुरद्वारा साहब तो उत्थों कीता सीगा, ते धरती दा उही टुकड़ा इत्थों कोई 200-300 मील ते ओरेगन शुरू हो जांदा है। ग्रीनरी, हवा, पानी बहुत ही स्वच्छ, हर पासे थोड़ा टैंपरेचर काफ़ी लो, तो बड़ा सुहावना जहा। तो वापस कैलिफोर्निया आए तो फिर उही धुप, खास करके अज की गल करिए तो बड़ी काफ़ी गर्मी पै रही है, बेरिए तो लैके सेंट्रल वैली तक या ऑल ओवर द प्लेस। दर्शकों, आप गल करते कुदरत कितनी बेअंत है, चाहे थोड़े जे पार्ट पिछों जिहड़ा धरती का पार्ट है, कितने ठंडा कितने तत्ता। आप बिजली की गल करिए, आप फील कर सकते हैं पर कदे देख नहीं सकते, किदा पशु पंछी है कुदरत ने बनाए, उन्होंने आवाज़ अड अड टाइम ते अड अड मायने रखती है। जिदा कि कुकड़ की वाग सवेर नू ते उल्लू का बोलना रात नू, ओ बिना देखे रात नू फ्लाई कर सकता, इनू कहिंदे कुदरत। कुदरत दे जे आपां गल करिए कि तुसी देखे होना ब्रिटनी ते एक होर कुड़ी का नाम अमेरिका दे विच, जिन्हां दा सारा कुछ एक है लेकिन दो मूँह बनाया, हर फंक्शन वह कर लें पर दो मूँह है। उस तरह सोना तो मोना, जो अमृतसर की गल करिए उत्थे भी आ ही है। इस कुदरत निहारिया जा सकता है, उन्हों को बह के उस कादर की कुदरत तकिया जा सकता, पर जो आप देखते हैं कोले बह के कि आप कंट्रोल कर लिए जी, असी आपकी धुप छां बना लिए। कहिंदे ना चाइना वाले ने आपके बदल बना लिए, जो मर्जी मीह करवा पवा सकते हैं। फिर उस तो बाद जो आप गल करिए असी हवाई जहाज बना ले, ये बना ले, आप कुदरत चुनौती देने की कोशिश करें, पहाड़ कट के टनल बना लें, पर खमियाजा भी आपू ही भुगतना पैदा। पहले देखते दे कुदरत है की चीज़, उस तो बाद कितने कितने अणगहलियाँ करते हैं कि अपन कुदरत वालों सज़ा मिलती है। दर्शकों, इन्होंने सारिया गलों पर झात पाने अपने नाल बने हुए ने बड़े सीनियर सोशल एक्टिविस्ट प्रोफेसर बलजिंदर सिंह सिद्धू। पहला उन्होंने स्वागत करते हैं। सिद्धू साहब, बहुत बहुत स्वागत जी साढ़े इस ओपन प्लेटफॉर्म प्रोग्राम से जस पंजाबी के मंच से। थोड़ी जी मुश्किल है लेकिन अदरवाइज मैं बहुत बहुत खुश हाँ और बहुत मैं धन्यवादी हाँ जस टीवी का, जिन्होंने मैनू ये मौका दिता कि मैं थोड़े कुछ सांझ कर सकां। बहुत बहुत मेहरबानी सिद्धू साहब, धन्यवाद तुहाडा, तुसी आए हो, साडे वालों भी धन्यवाद। आपां गल कर रहे, मैं तुहाडा कॉलम पढ़िया सीगा सिद्धू साहब, उहदे विच तुसी कहा सी शक्तिशाली जिहड़ी कुदरत है, जिहड़ा कॉलम दा नाम भी यही सी, उहदे विच तुसी लिखिया कि मनुख कुदरत दे कानून, जिहड़ा कुदरत है ओदी जिहड़ी गुझे भेत जाण के आपदे आप नूं बड़ा घमंडी महसूस करदा है। बड़ा सोहना लिखिया सी तुसी, पर ओदे पिछे तुहाडा कहण दा मतलब की सी, ओह समझाओ जरा। मेरा कहण दा मतलब सी कि साइंस दी तरक्की करके जी आदमी ने बहुत कुछ कुदरत दी बाबत जान ले, लेकिन कुदरत दा जिहड़ा सर्कल है इन्ना विशाल है कि वह तो उसके नेड़े तेड़े भी नहीं अजे पहुँच सके, लेकिन उसनों जिनी जिमें होंगे ना कि जिन्ना भांडा बहुता भरिया ना हो ज्यादा खड़कता है, तो इस लिहाज न असी बहुते अद्धे भांडे हाँ तो खड़कते ज्यादा हाँ, तो इस गल करके असी बहुत ज्यादा हंकारी जो हो गए हाँ कि कुदरत असी फड़ लिया, गल की है जो मर्जी बारिश कर दो, जो मर्जी है जो ठंड बनानी है तो चंगा कर लो, इस गल करके। लेकिन असलियत कुदरत महान है, कुदरत दी तां तुसीं जिन्नियां भी गल्लां करो ये तो लेख विच तां कुछ भी थोड़ा जिही है, बड़ी मुश्किल दे नाल ते बहुत कुछ लिखा जा सकता है, लेकिन कई बार लेख लिखण वेले ख्याल करे कि कोई बोर ना हो जाए पाठक है जिहड़ा, इस ख्याल नाल संखेपता का ख्याल रखते हुए मैं कुदरत दीयां विशेल विशेषताइयां का जिक्र बहुत ज्यादा नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी ये तो इशारे ने
जिदा करके एक चंगा सियाना सूझवान आदमी कुदरत दियां इह विशेषताइयां दियां जरूर गहराइयां विच जावे, लेकिन यह कदे ना भुले कि यह महान है। किसी चीज नूं किसे देख लो, हुण जिवें ऐसे वेले कोरोना वायरस है, आदमी ने डॉक्टर ने बड़ी खुशी नाल इसदे उत्ते बड़ी हिम्मत नाल इसदे उत्ते काफ़ी काबू है, लेकिन हर रोज़ एक नई फिर आ जाती एक होर आ जाती है। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੀਏ, ਕੁਦਰਤ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਬਿਯੋਂਡ ਸਰਟਨ ਲਿਮਿਟ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਘਮੰਡੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਆਹ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਿਓ ਅਗਲੀ, ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਬੜੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸੇ ਕਾਲਮ 'ਚ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਚਲੋ ਕਾਲਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਰੀਅਲੀ ਟੁੰਬੀ, ਜਿਹੜੀ ਰੀਅਲੀ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਗਲੀਲੀਓ ਕੋਲ ਤਾਂ ਦੂਰਬੀਨ ਸੀਗੀ, ਬਰੈਨੋ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਚੱਲੀਏ 650 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿ ਗਏ ਸੀ ਲੱਖ ਅਗਾਸਾਂ ਲੱਖ ਪਤਾਲ ਧਰਤੀ ਹੋਰ ਪਰੇ ਹੋਰ ਹੋਰ। ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੀਸ ਨਹੀਂ ਉਸ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਡੂੰਘੀ ਗੱਲ ਕੀ ਕਿ ਗਲੀਲੀਓ ਕੋਲ ਦੂਰਬੀਨ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ 600-700 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸੀ? ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਦਰਤ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨੇਚਰ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਸੁਪਰ ਹਿਊਮਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਦਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਤਜਰਬਿਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਧਾਰਨ ਆਦਮੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਗਿਆਨ ਆ ਗਿਆ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗਿਆਨ ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਕਈ ਲੋਕ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਪਾਸੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ, ਪਰਮਾਰਥ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਪਾਸੇ ਲਿਜਾਊਂਗਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਖੁਦ ਚੱਲ ਕੇ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀਏ, ਆਪਾਂ ਗਲੀਲੀਓ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਦੂਰਬੀਨ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਆਹ ਕਰਤਾ ਉਹ ਕਰਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕੁਛ ਦੇਖੇ ਕਰਤਾ, ਇਹ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਖੁਦ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕਲੀ ਜੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਬਖਸ਼ੀ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਂ ਇਹ ਔਲਰੇਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਨਪਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸੈਰ ਕਰਨ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਜਾਂਦਾ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਿਹਾ ਜਿਹਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਨੇ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਅਨੁਭਵ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸ ਦਾ ਆਮ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਪਰੂਫ ਮਿਲਣਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਬਈ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਮਗਰੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹੂ ਲੇਲਾ ਹੈ ਕਾਲੀ ਜੀ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਮਜਨੂੰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ ਸਾਈਕੈਟ੍ਰਿਸਟ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਨਾ ਸਕੇ। ਸੋ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਈਆਂ ਜੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਕੁਦਰਤ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ, ਉਹ ਤੋਹਫ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਉਹ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਆਪਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਫਟਰ ਸੀਇੰਗ ਆਲ ਦੀਸ ਥਿੰਗਸ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਸਾਊਂਡ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਕੋਈ ਐਲਰਜੀ ਨਹੀਂ, ਇਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਵੀ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਗੂੰਗੇ ਨੂੰ ਮਠਿਆਈ ਸੁਆਦ ਹੈ,
समझा नहीं सकते। इवें जिवें असीं बहुत वारी इह मामले दे उत्ते इसदे उत्ते कोई रिलीजियस कोई ऐसी बात नहीं, साइंटिफिक वे दे नाल महसूस करदा मैं कि बहुत सारिया चीज़ों का तुसीं अनुभव कर सकते हो लेकिन लफ्जों के उत्ते नहीं दस सकते ना ही कई बार दस सकते हो, ये मेरी फीलिंग है। सिद्धू साहब तुसी वापस फिर कुदरत ते ही जा रहे हो, तुसी पिछे फिजिक्स पढ़ाते रहे हो आपकी लाइफ दे विच, मैं तुहानूं एक उस बेस ते क्वेश्चन पूछ रहा कि बिजली है वो देखी नहीं जा सकती, फील की जा सकती है, अड अड टाइम ते अड अड पशु पंछियों के जड़े आवाज़ जी आती उन्हों की वॉइस है वो अड अड स्नेहे दिंदी है, एज अ फिजिक्स प्रोफेसर तुसी उस चीज़ नूं परमात्मा वालों धर्म ना जोड़दे हो कि उहदे पिछे भी कोई थ्योरी काम करदी है कुदरत वालों? मैनू इस चीज़ का तुसी काइंडली बी मोर स्पेसिफिक क्योंकि मैनू इस दे नाल ना थोड़ी गल दा जिहड़े बच्चे जिवें तुसी की कहा मैं इह कहा सीगा दोबारा काइंडली बी काइंड। हाँ जी हाँ जी मैं तुहानूं इह कहा सीगा कि सर तुसीं फिजिक्स पढ़ाते रहे हो तो उस बेस के उत्ते तुसीं देखिया होना कि आपां बिजली फील कर सकते हैं चाहे डोर बैल के हिसाब ना या पखे के हिसाब ना, उस तरह ही जिदा कुदरत वालों एक बख्शा हुआ पंछियों नूं जिहड़ा एक पंछी पक्षी है वह अड अड वेले अड अड आवाज़ कढ़दे है तो उहदा मीनिंग भी अड अड है, इहदा मतलब तुसीं फिजिक्स की कोई थ्यूरी है या कुदरत का करिश्मा है, मैं उस बारे पूछ रहा तुहानूं। मेरा अपना ख्याल है कि कुदरत दा किश्मा जी ते इहदे पिछे फिर जे आपां धार्मिक पक्ष देखिए तो लोग अड अड पासे तुर पैंदे आ, उहनां नूं इस चीज़ की एक्सप्लेनेशन किदां देवांगे आपां? धार्मिक इहदे नाल तां बहुत सारियां चीज़ां दा सानूं पता नहीं लगदा लेकिन फिर अपना ख्याल है कि बहुत सारिया चीज़ा जिमें पहला भी अर्ज किया कि अनुभवता की लोड़ है तो साइंस धार्मिक असं एक्चुअली कई बार आम आदमी रिलीजन के हिसाब न समझ, धर्म रिलीजन नहीं धर्म कुछ होर है, इस लिहाज के नी सारिया गलों महसूस कर सकते हो तो पर बहुत वेरी लफ्जों के विच कई वेरी थोड़ होंगी है एक्सप्लेन नहीं कर सकते लेकिन नेचर वालों उन्होंने अज मैं कल ये पढ़े कि कमाल की गल है, कमाल की गल कि मच्छी है जी वो अंडे दिंदी है, मेल है जोड़ा वो उसमें 50 दिन अपने मूँह च रखता है जी 50 डेज वो कुछ भी नहीं खाता और उस तो मगरों जो उस फर्टिलाइज होकर बच्चे निकल आते हैं दैन स्टार्स, हूँ इस चीज़ केड़ी चीज ना धर्म ना सीधा सीधी साधी साइंस एक्सप्लेन कर सकती है, ये अगर के बहुत सारिया साढ़े को इस तरह दुदरत वालों पक्षियों गूंजल का सू पता नहीं लगे ता करके मैं लिखे जी जी। कोई हुक्म करो जिन्नी क्योंकि जी जी सिद्धू साहब अपन रुकना पै रहा है, अपन रुकना पै रहा है एक छोटी जी ब्रेक लई, अपन रुकना पै रहा है सिद्धू साहब एक छोटी जी ब्रेक लई, दर्शकों साडे बड़े ने माणयोग ब्रजिंदर सिंह सिद्धू अपन रुकना पै रहा है एक छोटी जी ब्रेक लई, बने रहो जस पंजाबी ते। स्वागत जी तुहाडा सारिआं दा फिर प्रोग्राम ओपन प्लेटफॉर्म जस पंजाबी दे मंच तो, मैं तुहाडा गुरलाल अपना जुड़े ने प्रोफेसर ब्रजिंदर सिंह सिद्धू। सिद्धू साहब स्वागत आफ्टर ब्रेक। सर जे आपां किसे डॉक्टर कोल जाइए कोई ऑपरेशन करना होवे तां डॉक्टर की कहिंदे है कि आई विल ट्रीट अलमाइटी विल क्योर, ठीक है कुदरत उहनूं जिहड़ा हैगा उहनूं आराम देगी, मैं उहदा इलाज करूँगा तो आराम नाल उहनूं जिहड़ा हैल्थी बनाउणा कुदरत दे वस है, ठीक है ये तो हो गया एक प्रैक्टिकैलिटी हो गई है, पर जदों आपां परमार्थ दे पासे चले जाने हैं लोग तरह तरह के वहम करन लग जाने, मैनूं ओ उस लोग दर्शकों ने करो कि एट द एंड ऑफ द डे कुदरत ही है कि जिहड़ी नैचुर वालों जिहड़ी क्योरबल जिहड़ी क्योर हुंदी है वह नैचुर करता है
कोई धार्मिक या कोई होर तरह दियां वाधू दियां गल्लां नहीं सोचनियां चाहीदियां, होर धारनावां नहीं अपनाउणियां चाहीदियां। हाँ बिल्कुल ठीक है तुहाडी गल, लेकिन सवाल यह है कि कई बारी मैनू यह मौका मिले जिवें अखां दे डॉक्टर ने चंडीगढ़ी, उन्होंने मैनू कहा कि कई बारी इको जी मुश्किल दोनों मरीजों नूं हुंदी है, उही दवाई एक तो काम आ जाती दूसरी तो नहीं आती, सानू कुदरती भरोसा करना पैंदा है कि शायद असी पूरी डूंघी डूंघाई दे विच उस मामले ते जा नहीं सके। सो कई बार जिस वे थोड़े को कोई चीज़ सामने नज़र आती ठीक पता ना जिदा लग सके, वो असी बहुत वारी कुदरत का ज फेथ का सहारा लेने ये महान है कि सानू असी अपने तो कोशिश की है ये सर्जरी करन दी, ये कर सारा काम करन दी, लेकिन फिर भी कोई पता नहीं साढ़े को कोई कसर ना रह गई हो, या कोई सानू पूरी इस गल की समझ ना आई हो। इसका मतलब ये नहीं कि टोटली वो बंदे कोई रिलीजियस वे दे नाल ही करते नहीं, लेकिन वो जरूर इस विशालता देखते दे हुए कि असी ये सारे काम नू असी सारी इलाज नू पूरी तरह समझ नहीं सकते, शायद साढ़े को कसर रह गई हो, उत्थे साड़ी नेचर मदद करेगी ते कह दे उस तो मारो उदी ठीक हो। इस दे नाल कोई मैं कोई कट्टरता दे नाल कोई रिलीजन दे नाल इसका संबंध नहीं समझदा, मैं सिर्फ ये समझदा कि विशालता है जिहड़ी नेचर दी कुदरत दी उसनू महसूस करते हुए बहुत सारे डॉक्टर महसूस करते ने आई एम डूइंग माई ड्यूटी बट रेस्ट इज द हैंड ऑफ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੱਟੜ ਉਹ ਬੰਦੇ ਕੋਈ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਕਰਦਾ। जी 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 पर सिद्धू साहब क्वेश्चन ये खड़ा हो जाता कि आप डॉक्टर ते या कोई जिहड़ा इलाज करने वाला है उन्होंने उत्ते कोई किंतु परंतु नहीं कर रहे, पर जिहड़ा आम दर्शक किसी होर धारनावां दे विच बह जाता कुदरत दा जिहड़ा विश्वास है वह छड के कुदरत नूं मनण तो छड के होर धारनावां विच बह जाता है उन्होंने उत्थों किदां कढ़िया जाए। अगेन सारे धर्म सत्कारयोग ने आपां उहदे विच कोई नहीं जा रहे, पर जिहड़ियां रूढ़ीवादी परंपरावां ने जदों आपां उह च बह जाने उन्होंने कुदरत वल किदां मुड़िया जाए लोकां नूं। विशा जिहड़ा है क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स दे विच बड़ी इस तरह की कुछ कोशिश है कि बहुते वेरी उन्हें जेड़े दिमागी तौर पर फसिया हुई चीज़ा ने जनरेशन आफ्टर जनरेशन उन्होंने उस तो हटा बहुत औखा काम है। हौली 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 जे असी इस तरह के सैमीनार करते रहिए जिथे लोग आके सुन सकन, बहुते अफसोस की तो यह बात है कि मैं हैरानगी मानना कि तुसी तां मेरा लेख पढ़ लिया, बहुते बंदियां नूं तां पढ़न दा भी शौक नहीं है, दिन ब दिन कोई इस तरीके नाल कोई बंदा तां करके ये जिहड़ियां चीज़ां ने मैं महसूस करदा आपदे वल्लों कोशिश है कि कुछ ह्यूमन बीइंग्स तां कम अज कम इस तरीके नाल आ जाए। तुसी हैरान ही मनोगे ये गल दी कि मैं ते हर रोज इत्थे कैलिफोर्निया सैर कर जाना पढ़े लिखे आदमी ने जिहड़े जो पी एच डी ने उन्होंने ये नहीं पता सी कि वेजीटेरियन एग भी होंगे, उन्होंने ये भी पता नहीं सी कि जे उन्होंने लड़की हुई है इस दे विच भी आदमी का रोल है औरत का कोई रोल नहीं है। मैं हैरानगी मानता कि उन्होंने इन चीज़ों का उन्होंने भी पता नहीं है, तो उन्होंने मेरे नाल बहस की फिर उस तो मगरों जो गूगल दे भी जाके सारिया चीज़ा देखिया सो ता करके असी आम ह्यूमन बीइंग्स दी बाबत पंडाल साहब कितों सोच सकते हैं। कोशिश ही है ये तो एक निर्माण की कोशिश है जितों ताई बस लगे लोगों नूं इस मामले के उत्ते जागृत करना चाहिए।
पर जितों तक आप फिर मैं गल उ रूढ़ीवादी परंपरावान की करूँगा कि जिदा हूँ ही गल की कि कोई बंदा इस कहता कि मेरे जो मेरे परिवार मेरी फैमिली मेरी वाइफ तो मैनू बेटियां ही हुई हैं और उन्होंने समझाना औखा हो जाता कि ये कोई लेना देना नहीं एक्चुअली कुदरत वालों जो तेरे अंदर है वह बेटियां ही प्रोड्यूस कर सकता तो इस तो उपर होर नहीं पर ये जो लोग धार्मिक परंपरावान ला के नाल तुर लेंगे खास करके कुदरत ना खिलवाड़ करन दी कोशिश करते जी असी फलाने डॉक्टर को दवाई खा ली असी फलाने को कर लिया ये वो तो साडे मुंडा फिर नहीं होया उस चीज़ नूं किदां किसी दे खाने पाया जा सके कि नहीं इस कुदरत दे नाल ही चलना सार्थक हुंदा है। ठीक है बिल्कुल ठीक है ये चाहिए चाहिए तो यही है वो कहने के मैं समझाइए पर बड़ा इस लिहाज दे नाल पर्सनल लेवल ते क्योंकि दिन दिन इकट्ठा दे विच भी लोग आउंदे नहीं आपो अपने घर दे विच बिजी ने आ खास करके जिहड़ा टैलीविजन वगैरह दे नाल है एक घर दे विच भी बच्चा आपके कमरे में है दूसरे हो तुसीं ये प्रोग्राम नूं सच्ची बात है कि ये औखा है लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए कोई ना कोई इस तरह करते रहो कुछ ना कुछ बंदे हुण आह जिवें इह कहिड़ा इस वेले अपना प्रोग्राम कहिड़ा सारे लोग कोई पूरे उन्हें ध्यान नाल सुन रहे ने इस लिहाज दे नाल है human beings day by day they are becoming I should say carefree or careless if I say so main de vallo ta tonu ehi benti hai ek nimane je ver de naal eh likhya si te ese tarike de naal hi main hun vi mehsoos karda ke is je sada beshak otherwise main dharmik is de naal koi कट्टरता दे नाल मेरा जो पहले भी कहा कोई यकीन नहीं पर फिर भी मैं महसूस कर रहा कि जिंदगी दे विच सोहज दी खातर डे बाय डे आप दे लाइफ नूं काफ़ी सुखावी रखने दी खातर जे असी कुदरत दा सहारा ले लीए तां डिसाइडली डे टू डे जीवन है जिहड़ा वो कंपैरेटिवली मोर कंफर्टेबल बन जाता है लेकिन जितों तक तुसीं जिवें फरमाया भी ये किवें आपां करिए इहदा मेरे को सच्ची गल है भी जदों कोई सुणदा ही नहीं ज़्यादा कोई पढ़ता नहीं दिन ब दिन पढ़न की आदत खत्म हो रही है तो इहदा की कीता जाए मैं आप इस चीज़ नूं महसूस कर रहा मैं बल्कि थोड़ा शुक्रगुजार हाँ कि कम अज़ कम दो मिनट वास्ते जिहे जे मेरे छोटे मोटे सुधार ख्याल नहीं सिद्धू साहब आपां ओ गल बाद च कर लांगे सिद्धू साहब ओ गल आपां बाद च कर लांगे सिद्धू साहब मैं दसो कि लोगों के एक्सैप्टेंस किदां बनाई जाए जिहड़े आपां दर्शकों के रूबरू हो रहे हैं एक्सैप्टेंस मान लो कोई वधिया चीज़ वापर जाती है अपने घर के अपने जीवन के आपां कहने कि शुक्र है कुदरत ने सानूं नवाजिया उस चीज़ नाल पर जदों कोई मंदभागी घटना वापर जाती उदों आपां कहने कि नहीं ये साडा चांस सीगा जिहड़ा बैड लक सीगा उदों आपां उस कुदरत नूं दोष भी ठहराउंदे उहनूं एक्सैप्टेंस उहनूं एक्सैप्ट नहीं करदे कि यस आ भी कुदरत दा ही देण है मैनूं हो सकदा इहदे विच भी कोई अच्छाई लुकी होवे जिहड़ी एक्सैप्टेंस है उह लोकां दे विच किद्दां बनाई जा सके कि हाँ जो हो रहा सही हो रहा इह चीज़ां तां साडे कोल मेरा ख्याल है इस जगह पर साढ़े को धार्मिकता आ जाती जेड़े बंदे इस चीज़ यकीन करे कि कुछ जड़े धार्मिक बंदे ने जिन्हों जिन्हों की अपनी लाइफ खुद वो बहुत अच्छा जीवन बतीत करते हो तो एग्जैम्पलरी हो तो उन्होंने असी संगत जरूर करिए फिर साढ़े को कुछ ना कुछ जिस अं वापस आवेंगे फिर असी यह कहे कि जो कुछ हो गया चंगा हो गया तो भी वो मेहरबानी बुरा हो गया साड़ी प्रॉब्लम यह है कि जेड़ा कुछ चंगा कर दे वो तो असं कर दें जी सा मेहनत है असी कीता सी ते जे कुछ माड़ा हो गया तो कहते जी कर्मा की बस है साढ़े कहड़ी बस की गल असी जजमेंटल ना होइए
जजमेंटल होने का जो सा तरीका है ये चंगा नहीं। मेरी आप भी थी अगेन अगेन आप फिर उही मैं तुहाडे कॉलम दे विचों ही मैं एक जगह होर भी पढ़ रहा सीगा कि कोई परिवार है खुशी खुशी कितने घूमन जाता उन्दे होए कोई एक्सीडेंट हो जाता परिवार ना अनहोनी हो जाती है ठीक है जदों जाते कि वह कहते कि सानू कुदरत ने नवाजिया सानू इन्ना जोगे करता कि असी घूमन फिरन जोगे हो गए पर आते हुए कोई असी नहीं कहते किसी नाल भी हो परमात्मा किसी नाल ना करे पर जिहड़ी प्रैक्टिकल लाइफ है वो आप एक जिंदगी जी रहे हैं समाज जी रहे हैं तो चंगा भी होगा उस माड़ा भी होगा पर अगेन तक के माड़ा ना किसी का किया जाए जो एक्सीडेंट हो गया तो उदों आप कुदरत नूं रज के ब्लेम दिंदे हैं वो एक्सैप्टेंस जी एक्सैप्टेंस सिद्धू साहब मैं तुहाडे तों जानना चाहुंदा कि उदों आप धार्मिकता तो लाए ने रब ने साडा माड़ा किया पर जे चंगा हो तो बहुत चंगी गल है जी मैं किया और जी एक्सैप्टेंस हैगी है वह मैं अगे तुहानूं ब्रेक तो बाद जरूर पूछूंगा जिहड़े आप कुदरत दे स्रोतां नाल जी आप छेड़छाड़ कर रहे हैं कुदरत आपूं पनिश भी कर रही है ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਉਹ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁੱਛੂੰਗਾ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਆਪਾਂ ਕਦੋਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਜੇ ਸਾਡੇ ਦੋ ਬੱਚੇ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਵੰਡੀ ਜਾਏਗੀ ਉਹ 'ਚ ਦੁਹਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਪਰ ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਸੋਰਸ ਆਫ ਇਨਕਮ ਓਨਾ ਹੀ ਰਹੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਦਈਏ ਔਖੇ ਸੌਖੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਦਈਏ ਕਿਸੇ ਨੌਕਰੀ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰ ਜੋ ਕੁਛ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਾ ਕਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੋਊਗੀ ਸਾਡੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੋ ਜਾਊਗੀ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹੀਏ ਲਿਖੀਏ ਕੁਝ ਚੰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰੀਏ ਕੁਝ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬਿੰਦਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਇਹ ਹੈ ਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਫੈਮਿਲੀ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਾਮਯਾਬ ਆਦਮੀ ਹੈ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿਆਣਾ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਕੇ ਦਾਣੇ ਉਹਦੇ ਕਮਲੇ ਵੀ ਸਿਆਣੇ ਕਮਲੇ ਵੀ ਸਿਆਣੇ ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹ ਸਧਾਰਨ ਆਦਮੀਆਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਲੱਗਦਾ ਹੋਏ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੋਲ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਮਾਨ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸਬਰ ਸਬੂਰੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਘਰ ਬਹੁਤਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹੀ ਉਸਨੂੰ ਉਹਨੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੱਚੀ ਬਾਤ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਤੇ ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨੇਚਰ ਵਿਲ ਵੀ ਕਾਇੰਡ ਐਨਫ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹ ਆਏਗਾ ਜੀ ਬਾਕੀ ਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜੇ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਓਪਨ ਮਾਇੰਡ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭੇਦ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਧਾਰਨ ਬੰਦੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਹਮਾਰੇ ਗਰੀਬ ਖਾਨੇ ਮੇ ਆਓ ਹਮ ਬਤਾ ਦੇਂਗੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਕਿਆ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਹਮਾਰੇ ਗਰੀਬ ਖਾਨੇ ਮੇ ਆਓ ਹਮ ਬਤਾ ਦੇਂਗੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਕਿਆ ਹੈ ਜੀ 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 ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਰੁਕਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕੁਇਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਦਰਸ਼ਕੋ ਸਾਡਾ ਬਣੇ ਨੇ ਮਾਣਯੋਗ ਬ੍ਰਿਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸਾਨੂੰ ਰੁਕਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਇੱਦਾਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਸਵਾਗਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਓਪਨ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਮੰਚ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰਲਾਲ ਆਪਣਾ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਮਾਣਯੋਗ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬ੍ਰਿਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਗਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਫਟਰ ਬ੍ਰੇਕ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਕਿ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਆਪਾਂ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ ਕਿੱਦਾਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਹੀ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਪੜਾਵ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੇ ਹੋਣੇ ਆ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬੁੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਧਰਤੀ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਪੀ ਸਕਦੇ ਸੀ ਅੱਜ ਉਸੇ ਹੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਪਾਣੀ 400-500 ਫੁੱਟ ਥੱਲੇ ਲਾਸਟ ਲੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਇਹਦਾ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੂਲਸ ਤੋੜੇ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਾਂ ਪਹਾੜ ਤੋੜ ਕੇ ਟਨਲਸ ਬਣਾ ਲਏ ਆਪਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਆਪਾਂ ਰੁੱਖ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੋਠੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਸੜਕ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਪਾਣੀ ਉੱਪਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਭਾਫ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੋ ਵੀ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਲ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਨਿਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਕਦੇ ਹੜ੍ਹ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਦੇ ਸੋਕਾ ਆਉਂਦਾ ਆ
आप क्यों करते हैं इस कुदरत नाल खिलवाड़ ते कुदरत अपनु पनिश कर रही है, इस चीज़ नु किदां रोकिया जावे? सिद्धू साहब, इस तो है कि जो इस तरह जी सिद्धू साहब मैं लगता तो जी इस सड़क वगैरह जी बनाने वो असी पोलिटिकल वे दे जेड़े जेड़े बंदे आपकी जमीन के नेड़े चाहते ने यह ना करिए, यह हिम्मत की लोड़ है। जिन्ना चिर इस की बंद हिम्मत नहीं आएगी उन्नी देर कुछ नहीं। मेरी अपनी ये फीलिंग है कि कुदरत पनिश नहीं ज्यादा करती, बंदे सबक जरूर सिखाती है। नॉर्मली नेचर इज बाउंटीफुल, नेचर इज ऑलवेज काइंड। In 99% cases, we always see the nature's kind. And in some cases, in order to show the human beings ke nahi, tusi bahut zyada zarurat to zyada ghumandi na bano, te is lihaz de naal kai vari kudrat hai jehdi oh thode de punish vi kardi hai mehsoos hunda hai, lekin meri aapdi feeling hai vi कोशिश यही चाहिए है कि असी कुदरत दे असूल मुताबिक चलते रहिए। जो जो कुदरत जिम्मे हम कुदरत वालों अपने ओल्ड एज है, ओल्ड एज नू असी एक्सेप्ट करिए, किसी ना किसी फार्म विचों किसी अहदे विच ही साडे कोले वो जिहड़ी जिहड़ी उह चिखियां हुण मेरे आप दे कन्नां तों सुणदा है इह एज फैक्टर है कुदरत वालों है, तो ये कोशिश ना थोड़ा बहुत फायदा तो किया जा सकता है, लेकिन वो गल कदे नहीं बनेगी। तो जे असी जिंदगी कुदरत दे नाल 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 सहारे रहिए, गरीबी भी कई बार ये नहीं असी कोशिश नहीं छड़नी चाहिए, लेकिन फिर भी जो कुदरत वालों को कोई चीज़ आवे हैगी उन्हें जिन्हों आप कई बार जो भाणा कह दें चाहे वह मन के अपना जीवन साडे ते स्थिरता है जी खत्म नहीं करनी चाहती, यह मेरी फीलिंग है। मेरे नाल बहुत सारे जड़े भी ने डिफर कर सकते ने, हर एक नू हक है, तो मैं कोई फाइनल अथॉरिटी नहीं टू टॉक अबाउट दीज थिंग्स, लेकिन मेरे जो कुछ मैं अपनी इन्नी उम्र के मुताबिक अनुभव करना वो मैं ही महसूस करना कि जो भी बंदा इन्ह चंगिया चीज़ों तो जड़िया कुदरत वालों इंसान को बख्शी हुई ने वो तो पासे गया वो हमेशा दुखी होंदा है। तो उसका फर्ज है कि जड़िया जड़िया ये खूबसूरत चीज़ा दिखती ने जिस तरीके टू बी ऑनेस्ट किसी का बुरा ना करो, फिर जितों तक वसल के गरीब का भला कर सको, जे कुछ बस गए तो ये कुदरत वालों विशेषताइया आदमी बख्शिया हुई ने, जे कोई बुराई भी करता उन्होंने माफ कर सको। ये जे सारिया चीज़ा जिस बंदे को डे टू लाइफ डे टू डे लाइफ बहुत गुजरेगी। ये सारे का सारा साडा भी प्रोग्राम चल रहा है। हुण देखो ये जिहड़ा आदमी च हंकार है वो है जिहड़ा कुदरत नूं ठीक नहीं समझदा। जिहड़ा बंदा कुदरत का सहारा लैंदा है उस विच हलीमी आएगी। हलीमी का मतलब इनफीरियोरिटी कंपलैक्स नहीं, हलीमी है जिहड़ी वो है इस नूं आपां कह सकदे हां जिथों तक हो सकता आदमी दे विच आ सारे का सारा जो लड़ाइया क्यों हो रही ने, यह तां हो रही ने साडे च हंकार है। हंकार क्यों है? असीं नेचर तो दूर जा रहे हैं। नेचर जो कुदरत वालों आदमी ने ये अच्छे अच्छे जड़े बख्शे हुए उसके तरीके ने वो असं अपना नहीं रहे। तो हंकार का कारण है कि साड़ी सारी दुनिया के बीच एक तो दूजे लड़ाइया लड़ाई, जे हलीमी हो निर्माणता हो इंसान एक बहुत बड़ी बख्शी हुई देन है, तो साड़ा ये जीवन है कि सारी दुनिया ही सिद्धू साहब तुसीं बहुत सोहना इलैबरेट किया उस चीज़ पर मेरा क्वेश्चन हाले उत्ते ही है।
बड़े ध्यान ना सुनियो कि आप जो फॉर एग्जाम्पल आप चट्टाना नूं बंब नाल जिहड़ा आ टोआ पुटना आप रस्ते बनाने पहाड़ा दे विच तां आप बंब रखन लग गए हैं ताकि वह छेती तो छेती खुदाई हो सके, पर उहदे नाल हुंदा की है नाल दे जिहड़े जो धमाका हुंदा नाल दे पहाड़ियों दे विच क्रैक आ जांदे आ, फिर जो वह पहाड़ियाँ खिसकनिया शुरू हो जाए, फिर कोई टाइम आता कि सड़क के उत्ते मड स्लाइड हुंदा, जानी माली नुकसान भी हुंदा, वह कितों आया, क्यों? क्योंकि असी कुदरत ना खिलवाड़ किया, वह जो थोड़ी जी मेहनत करके हौली हौली छोटिया मशीनों ना खुदाई की होंगी तो पहाड़ जिते खड़े है इन्ने हज़ारों सालों तो खड़े रहने से। कहने का मतलब यह है कि कितने कितने मनुख गलती कर रहा तो कुदरत पनिश भी कर रही है, वो चीज़ जी माइंड सैट है वह लोगों के या किसी अथोरिटी के किदा पाया जा सके। ईवन आपां कल्ली उहनां दी गल नहीं कर रहे, ईवन छोटी छोटी गल्लां दे विच जिहड़ा आपां कहिंदे कि शॉर्टकट लै लईए पर उदों आपां कुदरत दे असूलां दे खिलाफ जाने आ ते फिर कुदरत पनिश करदी है। छोटी छोटी गल्लां दी बहुत एग्जाम्पल ने, वो आपां माइंड सैट किदां बैक लईए कि नहीं जो कुदरत ने बनाया जे आपां नूं चाहीदा तो उहदा अड तरीका हैगा, वह किदां बैक लैके आईए। लास्ट क्वेश्चन ही सर मेरा, अपना यही ख्याल है कि आदमी की अपनी जड़ियाँ इस तरह दियाँ नेचर ने पहाड़ बनाए हुए ने, उन्हां दी आबो हवा उस किस्म की खरी है, उन्होंने उस तरीके मेनटेन करना साडा फर्ज है। तो जो असी उस कमर्शियल वे दे नाल बिजनेस नू माइंड च रख के सब कुछ कर रहे हैं तो उहदा सानू नतीजे भुगतने पै रहे ने। इस दे विच कई वारी कुदरत का भी वे है पर प्राइमरीली साड़ी आपदी ये सारी की सारी जी है साड़ी अपनी गलती है। सानू इस चीज़ का पता है, आम आदमी को पता है कि जिस वे तुसी किसी एडा वड्डा एडे वड्डे मकान से पांच सत सत स्टोरियां बनाओगे वह भार किवें चलेगा, वह पोर्शन डेफिनेटली उन्हें डिगना ही डिगना। ये मामले के कुदरत नू असी बुरा नहीं कह सकते, ये साड़ी अपनी भी कार्रवाई है। वे ऑफ थिंकिंग, वे ऑफ थिंकिंग। जी सिद्धू साहब मेरा क्वेश्चन ये है कि आप जो माइंड सैट है लोगों का, माइंड सैट मतलब कि जो सोचनी बनी हुई है कि असी शॉर्टकट लैना है, ठीक है, शॉर्टकट लैके कुदरत के खिलाफ जाके आप खड़ना कुदरत फिर पनिश करती है, उस पनिशमेंट तो किदा बचिए, माइंड सैट किदा चेंज करिए ताकि आने वाली जिहड़ियां पीढ़ियां है आने वाले लोग है वह जिदा तुसीं आप ही कहा कि जो तुसीं कुदरत के रूल एक्सैप्ट कर लैंदे हो बंदा बड़ा सुखी रहिंदा है। तो मैं उही पुछ रहा कि माइंड सैट किदा चेंज किया जाए शॉर्टकट लैण का कुदरत के खिलाफ जाण का। मेरा ख्याल है बहुत कुछ ना बहुता तय कुदरत आदि बस, लेकिन फिर भी साड़ी लगातार कोशिश चाहिए है बंदा कुछ वेकेंट मोमेंट विच जिंदगी दी सारियां जिहड़ियां शुरू तो चल रही गई गल्लां ने उन्हां ध्यान करे तो उन्हों बहुत कुछ ये लभ जाएगा जिस दे विच तुसी कह सकते हो कि वह कुदरत के खिलाफ ना जाए तो वह ऑटोमैटिकली मेरा ख्याल है कंग्रीगेशन वगैरह की बजाय इंडिविजुअल्स नूं ही तुसी जिवें यह अपनी टैलीविजन दी है जस्ट ही है तुसी आप यह जहाँ जरूर कुछ ना कुछ करते रहो कि भाई तुसी कुदरत ये माइंड सैट है जिहड़ा लोगों का वह जरूर कुछ ना कुछ बद लेगा। मेरी आपकी अपील कोशिश के नाल है, मैं शायद थोड़ा जिस तरीके सवाल है पूरी चंगी तरह मैं शायद जवाब ना दे सका होव मेहरबानी, लेकिन फिर भी सारे रल मिल के फर्ज है जिनी जिनी भी कोई आदमी जिस पोजिशन भी है एक किस्म की सेवा ही है कि ह्यूमन बीइंग्स ने जेड़े वो बहुत सारे गलत दिशा वल जा रहे ने उन्होंने ये प्रॉपर माइंड सैट करने वास्ते जिन्हें जिन्हें भी किसी समझ लो कुदरत वालों जिसनों सूझ है
ਉਹ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਅਦਾ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਰ ਸੀ ਜੀ ਵਕਤ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸੋ ਨਾਈਸ ਆਫ ਯੂ I'm so happy, so nice of you for giving. जी शुक्रिया जी शुक्रिया दर्शकों सन सरदार ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ मैं इन्हों तो रूबरू लैके आया सी क्यों क्योंकि अज असी साडा एक विशेष प्रोग्राम सीगा कुदरत दे उत्ते क्योंकि जदों भी आपां किसी भी आपदे शॉर्टकट लैण वास्ते आपदे शॉर्टकट लैके तो ज़्यादा फायदा लैण वास्ते कोई चीज़ करते हो कुदरत दे खिलाफ जाती है और वो आपां खमियाजा भुगतना पैंदा तुसीं देखिया होना ग्रीन रेवोल्यूशन दे तहत नू आपां अपना के बहुत ज़्यादा पानी धरती चो कढ के आपां जरूर झोना बहुत कणक बहुत पैदावार कर रही पर अज हालात की है उस नॉर्थ इंडिया दे उस किते दा हरियाणा पंजाब दी उस धरती दा हालात की है तुसी सोच सकदे हो कि वह कैंसल ट्रेन किते जा रही है बीकानेर जा रही है आपां उस चीज़ का खमियाजा भुगत रहे हैं मेरा यह प्रोग्राम लै के आउण दा एक यही मतलब सीगा कि यह प्रोफेसर रहे हैं फिजिक्स दे उहदे विच अड थ्यूरियां हुंदियां है जिहड़ियां कि कुदरत नूं तुहाडे नाल जोड़दियां है बजाय कि आपां रूढ़ीवादी हो के उही चीज़ां अगे लैके सदा वधदे रहीए जिहना आपां नूं आउण वाली पीढ़ियां 'च की नुकसान ते आपां नूं आपनों भी नुकसान हो रहा अगेन आई होप कितना कितने तुम आप प्रोग्राम जरूर समझ आया होगा कुदरत के खिलाफ ना जाइए अज का टाइम इतों तक किसी मैंने गुरलाल दौ इजाजत मेरे वालों तुम सारे प्यार भरी सत श्री अकाल।